बॉलीवुड में अगर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, संजय दत्त की दहशत और बालादस्ती कायम है तो उनके मुकाबले में एक अदाकारा ऐसी भी है जो 54 साल की होकर भी बॉलीवुड की ताकतवर तरीन खातून समझी जाती हैं। किसी अदाकारा को बॉलीवुड में ये मुकाम मिलना इतना आसान नहीं, मगर जब माधुरी के ये गाने मंजरे आम पर आए तो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में माधुरी दीक्षित का नाम का डंका बजने लगा और माधुरी हर फिल्म की जरूरत बन गई। इन जैसे और गानों की वजह से भी कथक डांस की माहिर माधुरी दीक्षित को रातों रात इंडिया पाकिस्तान में शोहरत की बुलंदियां हासिल हो गई। माधुरी को इस मुकाम तक पहुंचने में 4 साल लगे, मगर जब ये गाने मंजरेआम पर आए तो माधुरी की रियाजत भी काम कर गई। माधुरी के इन गानों के पीछे एक ऐसी कहानी भी जुड़ी हुई है जो उसको इंडिया में मशहूर करने का बायस बनी थी। ये उसकी संजय दत्त से मोहब्बत की कहानी थी जो अधूरी रह गई। 90 की दहाई में माधुरी की फिल्म ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बना रही थी तो संजय दत्त के साथ इश्क की खुशबू भी फैलती जा रही थी। मीडिया को रोजाना संजय दत्त और माधुरी की कहानियां छापने के लिए मवाद मिल रहा था, लेकिन इस इश्क का अंजाम इतना खौफनाक निकला कि आज भी जब माधुरी और संजय दत्त को 25 साल बाद एक फिल्म में इकट्ठे काम करने का मौका दिया जा रहा है तो माधुरी संजय दत्त का सामना करने से कुतरा रही हैं। और उन्होंने करण जौहर को इस फिल्म बनाने के लिए हाँ तो कर दी है, मगर साथ शराइत भी सख्त लगा दी है कि वो संजय दत्त के साथ कोई रोमानी मंजर फिल्म बंद नहीं कराएंगी। इस पर सोशल मीडिया में लिखा गया है कि माधुरी को आज भी संजय दत्त की वहशियाना मोहब्बत का डर है। संजय दत्त लेडी किलर था और उसकी मोहब्बत में इस कदर वहशियत और बालादस्ती रही है कि माधुरी पुराने दौर को याद ही नहीं करना चाहती। उसकी एक मिसाल तो यह है कि संजय दत्त माधुरी के मामले में हमेशा पोजेसिव रहे हैं। 1990 में शुरू होने वाली उनकी प्रेम कहानी का आगाज फिल्म थानेदार से हुआ था। माधुरी और संजय इस फिल्म की शूटिंग करते हुए अपनी प्रेम कहानी का भी प्रचार करने लगे और मीडिया इन खबरों पर मसाला छिड़कने लगा था। इस फिल्म की शूटिंग में कई ऐसे वाकयात भी रूनमा हुए जिससे इन दोनों की दीवानगी देखने को मिली। माधुरी जब शूटिंग के लिए बैरून मुल्क जाती तो संजय दत्त थानेदार के सेट पर बैठ कर घंटों माधुरी को फोन करते और लंबी कॉलें इतनी ज्यादा हो गईं कि फिल्म के डायरेक्टर राज एन सेम्बे को लाखों का बिल अदा करना पड़ा। एक भारतीय रिसाले ने इस पर लिखा था कि माधुरी की संजय दत्त से कुर्बतें बढ़ने लगी और फिल्म थानेदार की शूटिंग के दौरान दोनों काफी करीब आ गए तो उस वक्त संजय दत्त की अहलिया ऋचा शर्मा उन्हें छोड़कर बैरून मुल्क चले गयी। संजय दत्त का रास्ता खुल गया था और दोनों के बीच में हायल तमाम रुकावटें भी दूर हो गई। इस मुआशके को ब्लॉकबस्टर फिल्म साजन ने मजीद गहरा कर दिया। जब संजय दत्त अकेले शूटिंग कर रहे होते तो वो सेट पर माधुरी से फोन पर घंटों बातें करते जिसका बिल प्रोड्यूसर्स के खाते से अदा होता और ये काम रोजाना होने लगा था। उस दौर में ही डायरेक्टर सुभाष घई ने दोनों को सुपरहिट फिल्म खलनायक में साइन कर लिया। वो संजय और माधुरी के वहशियाना इश्क को देख रहे थे। उन्हें ये खदशा लाहक हो गया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कहीं ये दोनों एक दूसरे से शादी न कर दें या फिर माधुरी हामला न हो जाएं। इसी खदशे के पेशे नजर सुभाष घई ने माधुरी से नो प्रेगनेंसी मुआहदा कर लिया जिसके तहत फिल्म की तकमील तक माधुरी हामला नहीं हो सकती थी। सुभाष घई और माधुरी के माबैन ये मुआहदा तय पाने के बाद ही खलनायक की शूटिंग शुरू हुई। इस मुआहदे के जरिए सुभाष घई अजीबोगरीब मुआहदा करने वाले पहले और अकलौते डायरेक्टर बन गए थे, जबकि माधुरी ने भी ऐसा मुआहदा करने वाली पहली अदाकारा होने का आजाज हासिल किया था। माजी की ये मजबूरियां ही आज माधुरी को संजय दत्त से दूर रखने पर मजबूर हैं, मगर खलनायक के रिलीज होने के बाद माधुरी और संजय में दूरियां भी पैदा हो गई थी। हुआ कुछ यूं कि खलनायक की रिलीज से पहले संजय दत्त गैर कानूनी असलाह रखने और खास तौर पर वो असलाह जो बम्बई में दहशत गर्दी में इस्तेमाल हुआ था, जब उनसे बरामद किया गया तो उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में जाते ही संजय दत्त ने माधुरी को पैगाम भिजवाए, मगर माधुरी उससे नहीं मिली। माधुरी पर उसके वालिदैन का दबाव अपनी जगह, मगर उस दौर में संजय पर सबसे बड़ा इल्जाम ये लगा था कि वो दहशतगर्दों का साथी है। इस इल्जाम के बाद संजय का मुस्तकबिल स्याह हो चुका था और माधुरी ऐसा नहीं कर सकती थी कि उसका सूरज तो तलू हो रहा है और किसी गरूब होते आशिक के साथ अपना अफेयर चलाकर खुद को भी ग्रहण लगवा ले। माधुरी ने होशियारी से काम लिया और संजय जब जेल से 42 महीनों बाद निकले तो फिर भी उनसे मिलने नहीं गई और फिर उनके दरमियान दूरियां बढ़ती ही चली गईं। माधुरी और संजय दत्त में मोहब्बत खुद ब खुद नफरत में ऐसी बढ़ गई कि माधुरी ने बाद में 1999 में डॉक्टर शेरी राम से शादी कर ली तो संजय दत्त की यादों को खुर्च कर दिल से निकाल दिया। फिर जब 2016 में माधुरी को इल्म हुआ कि संजय दत्त की जिंदगी पर फिल्म बनाई जा रही है तो उन्होंने अदाकार सलमान खान से राब्ता करके कहा कि किसी तरह इस फिल्म का प्रोजेक्ट रुकवा दो क्योंकि मेरी घरेलू जिंदगी तबाह हो सकती है। माधुरी चाहती थी कि सलमान संजय दत्त को इस बात के लिए राजी कर लें कि उनकी स्वाने हयात ना बनाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो माधुरी का नाम फिल्म में संजय के साथ मुंसलिक किया जाएगा और उसके फिर से चर्चे होने लगेंगे। सलमान खान ने जब संजय से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और यूं सलमान खान ने संजय खान से बात करना बंद कर दी। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि माधुरी की खातिर संजय दत्त और सलमान खान एक दूसरे से मिलना और बोलना बंद कर दिया था। हालांकि
संजय दत्त हमेशा सलमान खान को अपना छोटा भाई कहकर पुकारते थे। ये लड़ाई उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गई जब संजय की जिंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म के लिए अदाकार रणबीर कपूर को कास्ट किया गया। उस वक्त वो सलमान खान की मुबैना गर्लफ्रेंड अदाकारा कतरीना कैफ के बॉयफ्रेंड थे और ये सलमान खान को गवारा नहीं था कि संजू फिल्म बने और उसमें रणबीर कपूर को कास्ट किया जाए। बाद में संजय दत्त ने सलमान खान को मना लिया और उसे तसल्ली दी कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित का कहीं जिक्र नहीं होगा और ऐसा ही किया गया। माधुरी दीक्षित को करण जौहर ने 25 साल बाद संजय दत्त के साथ कास्ट करने के लिए अथक कोशिशें की हैं, मगर जैसा कि पहले बताया है माधुरी कलंक में काम करने के लिए संजय दत्त से एक भी रोमानवी मंजर फिल्म बंद नहीं कराएंगी। वो अपनी अधूरी मोहब्बत को कभी मुकम्मल नहीं करना चाहती।